नमस्कार दोस्तों, जल्दी से एक बार लाइव हो जाओ सभी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आ जाओ। आज मैथमेटिक्स में हम बेलन, शंकु और गोला पढ़ने वाले, अर्धगोला भी हम कवर कर लेंगे आज। यानी हम क्षेत्रमितीय आयतन का पार्ट हम पूरा कर देंगे। चार पार्ट दोस्तों मैंने पहले करवा दिए, ये आज पांचवा पार्ट है हमारा। चार पार्ट जो जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हो। और काफी सारी प्रश्नावली मैंने पीछे भी करवा दी, यदि वो भी नहीं देखी तो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां से जाकर देख लेना। चलो आज हम पढ़ने वाले बेलन के बारे में। पहले दोस्तों हम बेलन के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, इसके सूत्र पढ़ेंगे, फिर इसके मतलब क्वेश्चन भी कम करेंगे। काफी हद तक बड़े बड़े क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, क्लास को जल्दी से लाइक कर दो ताकि हमें भी ऐसी सपोर्ट मिलता रहे। एक बार बताइएगा सबके पास आवाज क्लियर आ रही है और क्वालिटी कैसी आ रही है, एक बार बता सकते हो आप? ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बेलन कैसा होता है। बेलन दोस्तों ये होता है जैसे हमारी पानी की टंकी होती है, या बात करें ये दोस्तों क्या है, बेलन है। ये दोस्तों क्या है, बेलन है। अब बात कर लेते ये बेलनाकार आकृति है। ये दोस्तों इसकी क्या है, त्रिज्या है। ये बेलन की क्या है, त्रिज्या यानी आर है। ये भी त्रिज्या है, आर। अब बात कर लेते हैं ये इसकी क्या है दोस्तों, ऊंचाई है। दोस्तों क्या है, ये इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई को हम हाइट से डिनोट करते हैं, ऊंचाई को मतलब हाइट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको पता है बेलन में आपको कितने भाग दिखाई दे रहे, आपको दिखाई दे रहा होगा तीन भाग है। दो तो दोस्तों क्या है, ये देखो ये है आपका वरित, ये दोस्तों क्या है, वरित है बेलन में। और ये ऊपर वाला भी क्या है दोस्तों, वरित है। और तीसरा भाग क्या है, वक्र वाला भाग। ये टेढ़ा भाग है ना, वक्र भाग, इसे बोलते हैं वक्र या कहे टेढ़ा भाग, टेढ़ा भी कह सकते हैं, त्रि मतलब टेढ़ा भाग। ये आपको ध्यान रखना, ये इसका वक्र भाग है। चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम, आपको बात करें यहाँ वक्र भाग आपको पता है टेढ़ा वाला भाग ये। अब बात कर लेते हैं इसके मतलब हम सूत्र बनाने के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। चलिए थोड़ा इसमें बता देता हूँ बेलन कैसा होता है। तो आपको ये गत्ते के माध्यम से मैं एक बार समझा देता हूँ। ये दोस्तों क्या है, ये बेलन। अब ये बेलन है तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो मैंने भाग लिया ना दोस्तों, ये वक्र वाला भाग है। ये दोस्तों कौन सा भाग है, वक्र वाला भाग है। ये वक्र वाला भाग है और दो वरित होगी इसमें, तो बेलन में दो वरित और एक टेढ़ा वाला भाग, क्योंकि टेढ़ा भाग इसलिए इसे वक्र भाग कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सूत्र बनाने के बारे में। पहले बात कर लेते हैं वक्र भाग का क्षेत्रफल। दोस्तों पहला सूत्र हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहला सूत्र यही लिखेंगे, और कोई याद करने की सूत्र जरूरत नहीं है, मैं आपको तरीका बताऊंगा दोस्तों। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि आपके पास ऐसी आकृति होती दोस्तों, ऐसी आकृति, ये क्या है, आयत है। आयत का आप क्षेत्रफल निकाल सकते थे दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो ये लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं यदि इस आयत को हम बेलन बना देंगे तो आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो है ना उसकी लंबाई थी वो किसमें चेंज हो जाती है, लंबाई आपकी चेंज हो जाती है किसमें, जल्दी इसमें बता देता हूँ आपको थोड़ा सा बना के। लंबाई आपकी चेंज हो जाती है वक्र भाग में, वक्र भाग यानी ये देखो परिधि बन जाती है। लंबाई थी यानी लंबाई गुणा चौड़ाई लगाई तो परिधि भी ना 2πr, जो पहले आयत में लंबाई थी वो इसमें क्या बन जाती है, परिधि बन जाती है, दिखाई दे रहा होगा परिधि, इसका मतलब 2π। और जो चौड़ाई थी वो क्या बन जाती है, बेलन में देखो ऊंचाई बन जाती है, क्या बन जाती है ऊंचाई, इसका मतलब 2πrh। यही सूत्र होता है दोस्तों, कोई रटने की आपको जरूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, एक बार बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया लग रहा है, समझ में भी आ गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये हुआ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो नंबर बात कर लेते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ दोस्तों जो दो क्या थे, वरित थे, उनको भी मिला दीजिए, इसका मतलब 2πrh तो था ही पहले, 2πrh प्लस दो वरित, एक वरित का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो वरित का क्या होगा दोस्तों, 2πr² होगा। इसका मतलब अब देख लो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले सकते हो, 2πr दोस्तों कॉमन आया बचा क्या, h प्लस r, यही आपका सूत्र होता है। ये भी याद रख सकते हो, ये भी, ये सूत्र कई बार दोस्तों आया हुआ है, दोनों बात एक ही क्योंकि हमने कॉमन लेके निकाल लिया। अब बात कर लेते हैं तीन नंबर बात है, तीन नंबर बात में बात कर रहा हूं दोस्तों बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल आसान से है। किसी भी का यदि हम आयतन निकाल लेते हैं तो उसका सूत्र सीधा सा होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई यानी आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, गुणा में एच लिख लिया। अब बात कर लेते हैं ये आपके तीन सूत्र है, बेलन में कोई ज्यादा सूत्र नहीं, तीन सूत्र आप याद कर सकते हो। अब बात करें यदि हम यहां बात कर लेते थोड़ा सा, आपको बता देता हूं मैं थोड़ा सा दोस्तों, सबके पास आवाज क्लियर आ रही होगी, क्वालिटी भी ठीक होगी। आज मैंने थोड़ा सा सिस्टम जचाया, थोड़ा सा
उम्मीद करता हूं आपको ये सूत्र समझ में आ गया। अब बात कर लेते इस सूत्र में आपको ये क्या है दोस्तों, क्या है ये बेलन की क्या है परिधि है, 2πr बेलन की मतलब जो नीचे वाला जो हम बात करें या ऊपर वाला बात कर लेते हैं उसकी क्या है परिधि। तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं दोस्तों, परिधि गुणा ऊंचाई, परिधि गुणा ऊंचाई लिख सकता हूं, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल परिधि गुणा ऊंचाई में लिख सकता हूं। और ये देखो इसको मैं लिख सकता हूं क्षेत्रफल गुणा आधार का क्षेत्रफल है ना, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार आपको क्या करता है डायरेक्ट अगला दे देता है आधार का क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन बताओ ऊंचाई दे देता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले तो ये नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, नोट कर लो ताकि हम आगे क्वेश्चन हल कर पाए। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सूत्र आपने स्क्रीनशॉट ले लो या लिख सकते हो, ठीक है, नोट्स बना लो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। चलो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं और आपको जल्दी से जवाब देने की कोशिश करनी है, अभी मैं आपको लिख देता हूं। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन लिख दो, यदि एक बेलन की, दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन लिख सकते हो आप, यदि एक बेलन की त्रिज्या 7 मीटर है, ऊंचाई लिख सकते हो आप, ऊंचाई 14 मीटर है, तो इसके लिए ज्ञात कीजिए। अब देखो जो हमेशा तरीका होता है हमारा वही, क्योंकि सब ज्ञात करना आपको एक बार पहला क्वेश्चन में हम सब ज्ञात करते हैं। चलो सब ज्ञात करके देखो, पहले ज्ञात कर दो आप, नंबर एक क्वेश्चन की बात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। चलो मैं ज्ञात करके आपको बता देता हूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात करो। अभी बताया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2πrh होता है। दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πrh होगा। यहां बात कर लेते 2 × 22/7 गुणा r का मान आपको 7 दिया है गुणा कितना 14 दिया ना, ऊंचाई की मान कितना दिया 14 मीटर दिया, तो आप आसानी से ये क्वेश्चन हल कर सकते हो, गुणा भाग आप कर सकते हो आसानी से। चलो 7 से 7 कट गया, 22 × 44 × 14 ये आप यदि हम गुणा करके हल करोगे जल्दी से आप कर लेना, मैं गुणा आपको बता देता हूँ, ये होगा 616 क्या होगा क्षेत्रफल है इसका मतलब मीटर स्क्वायर होगा, ये आपका उत्तर है। आप गुणा भाग अपने आप कर लेना दोस्तों, क्योंकि गुणा भाग में टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी, हमें समझाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अब दो नंबर बात करिए आपको क्या ज्ञात करना पड़े, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वही तरीका क्या होगा, 2πrh + r, ये सूत्र है दोस्तों, आराम से आप निकाल सकते हो, जल्दी से एक बार करके देखो। तो मैं लिख के बता देता हूं, 2 × 22/7 गुणा आर का मान कितना है 7, और फिर देखो h + r 14 + 7, इसको हल कर लो एक बार जल्दी से, आप हल कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 7 से 7 काट दो कोई दिक्कत नहीं। ये बात 44 गुणा जो भी है दोस्तों जल्दी से आप हल कर सकते हो, यहाँ 44 गुणा कितना हो रहा है 21 ना, 44 को दोस्तों आपको 21 से गुणा करना है, जल्दी से आप गुणा कर सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ, आप एक बार गुणा कर लेना, ठीक है, 21 चौक कितना हुआ 84, हासिल लगी 8, 84 8 कितना हो गया जो भी हो रहा है, 84 और 8 कितना हो रहा है 92, इसका मतलब 924 क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर होगा बिल्कुल दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आप गुणा भाग ये कर सकते हो आराम से। अब तीन नंबर बात दोस्तों कर लेते किसका, बेलन का आयतन, आयतन आपको ज्ञात करना है दोस्तों, जल्दी से आयतन आप निकाल लो, देख लेते कौन कौन सही निकालते, लाइव रेट में साथ साथ जवाब भी देते रहेगा, क्योंकि हमें भी पता चले कि काफी सारे स्टूडेंट लाइव भी है और जवाब भी दे पा रहे हैं, जैसा कि मैं थोड़ा देख पा रहा हूँ, लेकिन ज्यादा मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंकि आपको जल्दी जल्दी मुझे टॉपिक करवाने हैं, वैसे नाम लेने में कोई फायदा भी नहीं है। अब बात कर लेते, चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते आयतन, आयतन क्या होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच, दोस्तों आयतन क्या होगा बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब 22/7 आर का मान कितना है 7 है, 7 × 7 गुणा ऊंचाई 14, अब चलो 7 से 7 काट दिया कितना आया, चलो मैं बता देता हूँ, ये दिखाई दे रहा है ना नीचे, थोड़ा मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है बोर्ड पूरा नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ इधर लिख देता हूँ, ये आप दोस्तों गुणा करके हल कर लेना। चलो मैं बता देता हूँ इसका उत्तर कितना आता है, जल्दी से आप गुणा कर लेना, 22 × 7 = 54 × 14 हमको करना है, जल्दी से आप गुणा कर सकते हो, जल्दी से आप कर लो, तो इसका आएगा 2156 आएगा, शायद 2156 मीटर क्यूब आएगा आयतन है इसका, मतलब मीटर क्यूब में होगा ये, दोस्तों आप गुणा कर लेना, गुणा में आप मिस्टेक मत निकालना, जो भी आपको गुणा कर लेना एक बार, ठीक है, ये वो आपका दोस्तों एक क्वेश्चन।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया। आपके क्वेश्चन सीधा सा आएगा, त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का या तो कहेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कहेगा संपूर्ण पृष्ठीय, या कहेगा आयतन, तीनों में से आपको एक ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तीनों ज्ञात करने के लिए नहीं बोलेगा दोस्तों। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया और बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों आप आगे बढ़े थोड़ा समझ में आ गया होगा, एक बार लाइव चैट में जवाब दे दो। चलो मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल काफी सारों के समझ में भी आ गया। अब बात कर लेते आगे बढ़े दोस्तों, चलो मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दो दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने मैं लिख रहा हूं अभी, और आपको जल्दी से जवाब देने की कोशिश करनी है। चलो मैं लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो दोस्तों एक आया हुआ क्वेश्चन है, वही आंकड़ा मैं ले रहा हूँ आपके लिए। चलो ले लेता हूँ, क्या है क्वेश्चन, जल्दी से मैं लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, यदि एक बेलन की ऊंचाई, चलो लिख देते हैं, यदि एक बेलन की ऊंचाई, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बेलन की ऊंचाई 3 मीटर, क्या दे रखा है, ऊंचाई 3 मीटर है, उसके आधार की परिधि तथा उसके किसके, बेलन के, उसके आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि की बात कर रहे हैं। इसका मतलब बेलन का आधार क्या होता है, बेलन का आधार दोस्तों वृत्त होता है। इसका मतलब वृत्त की परिधि की बात कर रहे हैं। परिधि कितनी देर की है, इसने देर की 44 मीटर है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार आया है, 44 मीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, एक बार आप जवाब दो, देखते कौन कौन, हालांकि इतना जल्दी आप नहीं कर पाओगे, मैं आपको करवा ही देता हूं। पहले एक बार क्वेश्चन देख लो ध्यान से, ताकि आप भी समझ पाओ ये क्वेश्चन कैसा है दोस्तों। इस आपको पता है परिधि दे रखिए, परिधि क्या होती है दोस्तों, 2πr होती है, 2πr बराबर 44 दे दे, इसका मतलब r जो भी आएगा आप निकालो, यानी 2 × 22/7 × r बराबर 44, भाई दोनों 44 कट गया, r बराबर कितना है दोस्तों, r का मान आ गया 7। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 7 मीटर है, 7 मीटर आगे, अब आप सवाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और सीधा भी कर सकते हो दोस्तों, इसमें आपको करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको कहा है क्वेश्चन क्या कहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है, इसका मान दोस्तों दे दिया आपको, डायरेक्ट रख सकते हो या ऐसे कर लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका मतलब 2πr, इसका मतलब यही तो परिधि दोस्तों, यही तो परिधि, कोई अलग थोड़ी है ना परिधि है, ये परिधि कितनी है, 2πr है, इसका मान आपको डायरेक्ट दे दिया, अगले ने कितना दिया है 44 गुणा फिर ऊंचाई से गुणा कर दो 3 से, यानी 12 हासिल लगी 1, यानी 132 क्या आया दोस्तों मीटर का क्षेत्रफल होगा। ये आपका जवाब आया, डायरेक्ट कर सकते हो या वैसे पहले आर निकाल के भी कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे। अब बढ़िया दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा भी लगा है आपको। अब बात कर लेती, यदि आपको कहता एक क्वेश्चन में आपको और दे देता हूं, इसका आयतन, बेलन का आयतन बताओ, जल्दी से कौन देता है जवाब, बेलन का आयतन बताओ, हालांकि क्वेश्चन आपके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आया हुआ है। अब एक बार आप आयतन निकाल के बता दो, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप निकाल सकते हो। आयतन दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्तों बेलन का आयतन। अब आपको पता है, इसलिए यदि आपको आयतन निकालने के लिए बोले ना दोस्तों, और परिधि दे रखी हो, इसका मतलब ये तो देखो यहाँ क्षेत्रफल होता है, यदि आपको डायरेक्ट क्षेत्रफल देता था तो आप आयतन सीधा गुणा कर देते। देखो दोस्तों, यदि आपको आयतन मांगेगा तो या तो आपको क्षेत्रफल देगा या परिधि देगा, या तो आप आर, हम आर ज्ञात कर सकते हैं या फिर बात करें, यानी यहाँ क्या दे रखी है दोस्तों, परिधि दे रखी है, इसका मतलब हमने आर पहले ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, यानी 22/7 गुणा 7 है आर हमारा गुणा 14, ये आप हल कर लेना जो भी आपका आएगा। चलो मैं बता देता हूँ कितना आएगा, जो भी आप गुणा कर लेना, 462 मीटर क्यूब आएगा, 462 मीटर क्यूब आएगा, ये आपका जवाब आएगा दोस्तों। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कई बार आपको क्या देते हैं, वक्त मतलब क्षेत्रफल दे देता है वृत्त का, नीचे वाला वृत्त का क्या दे देता है, क्षेत्रफल दे देता है दोस्तों, तो आपको पहले आर ज्ञात कर लेना, और कोई भी आपको ज्ञात करने के लिए बोले तो इस तरह से आप कर सकते हो। यदि आपको क्षेत्रफल देता तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ, यदि आपको आयतन ज्ञात करने के लिए बोले दोस्तों। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार लाइव चैट में जवाब दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन हालांकि आर्मी में कई बार आ जाता है, थोड़ा सा मतलब डीपली जाता है तो, लेकिन आर्मी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी कह रहा हूँ, लेकिन कई बार आ जाता है, थोड़ा सा पेपर मतलब बढ़िया लेवल का बनाता है। चलिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन, चलो डस्ट ले लेता हूँ मैं, आपको मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा दो, कोई दिक्कत तो बोलो, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था दोस्तों, चलिए मिटा देते। चलो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आगे क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके लिए। अब चलो बेलन में मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेना, एक तो मतलब आपको बेलन का
मतलब त्रिज्या देखिए, ऊंचाई देखिए, सीधा क्षेत्रफल कहिए या कहिए आयतन, तो आप निकाल ही लोगे और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब भी आप कर लोगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, बेलन मिटा दो। अगला टॉपिक है हमारा शंकु, दोस्तों शंकु है अगला टॉपिक हमारा, क्या है शंकु है। चलो मैं बता देता हूँ शंकु के बारे में, शंकु के बारे में दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं शंकु कैसा होता है। शंकु आप सब जानते हैं जो जोकर की टोपी होती है शंकुकार होती है, और जो कुंपी होती है जो मेहंदी की कुंपी होती है वो भी शंकुआकार होती है। चलो मैं बना देता हूँ एक बार, ये दोस्तों शंकु होता है, जैसे टोपी होती है ना वो भी शंकुआकार होती है जोकर की, ठीक है ये शंकुआ। अब देखो शंकु में आपको दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है, शंकु में दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा चित्र बड़ा बना देता हूँ क्योंकि कई कल बोल रहे थे कि सर थोड़ा बड़ा लिख के दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, और आज हालांकि आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम साफ आ रहा है, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ वहां साफ आ रही है आपकी, ठीक है आवाज आप एक बार बता देना क्योंकि आवाज में नहीं देख पाऊंगा कितनी क्या कुछ आ रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये दोस्तों क्या है शंकु है, ये मान लेते हैं इसका मतलब क्या है दोस्तों त्रिज्या आर, और अब दोस्तों यहां बात ध्यान देने की बात है, यह तो है देखो शंकु की सीधी ऊंचाई, इसे बोलते हैं ऊंचाई दोस्तों, इसे बोलते हैं ऊंचाई, चलो मैं लिख देता हूं ऊंचाई यानी एस से दर्शाते, और ये है दोस्तों तिर्यक ऊंचाई, इसे बोलते तिर्यक ऊंचाई, इसको दर्शाते एल से, ये है दोस्तों तिर्यक ऊंचाई और ये है सीधी ऊंचाई, सीधी ऊंचाई को सीधा एच कहते हैं और इसको एल कहते हैं, और ये त्रिज्या क्या है त्रिज्या यानी आर। अब बात कर लेते हैं इस शंकु में कितने भाग है दोस्तों, चलो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ शंकु कैसा होता है, शंकु इस तरह का होता है दोस्तों आप देख लेना इस तरह का होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा क्या भाग है, इसमें भी देखो एक भाग तो ये वक्र वाला भाग और एक है वृत्त, इसमें दोस्तों कितना है वृत्त एक ही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें पहले बात कर लेते हैं एक तो वक्र भाग और एक वृत्त। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे बढ़े थोड़ा सा, पहले बात कर लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सूत्र शंकु के आयतन का सूत्र आपके आ सकता है दोस्तों, फिर बता रहा हूं पहले बात कर लेते हैं किसकी बात करें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा पाई आर एल होगा। एल देखो यहां थोड़ा सा मैं एक बात बता दो आपको, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं आपको ध्यान रखना है एल है त्रिज्या ऊंचाई, एल का मान क्या होगा यहां नीचे दिखाई दे रहा है क्या, यहां तक दिखाई दे रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, चलो एल बराबर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, क्यों होगा दोस्तों क्योंकि एल है वो क्या कर्ण है, एल दोस्तों क्या कर्ण है, आपको यहां 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा होगा, एल क्या है कर्ण है, कर्ण की बात करना आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर वही तो किया है, आर यानी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर ये किया है, और यदि आपको आर ज्ञात करना हो तो एल माइनस एल स्क्वायर माइनस क्या करोगे एच स्क्वायर, और यदि आपको क्या ज्ञात करना है दिखाई दे रहा है आर ज्ञात करना है तो क्या होगा एल स्क्वायर माइनस क्या करेंगे आर तो लिख ही दिया, चलो क्या लिखना है एच लिखना है दोस्तों एच, एच बराबर क्या होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, ये आपको तीनों ध्यान रखना है दोस्तों, यदि आपको कहीं ज्ञात करने की जरूरत पड़े तो निकाल लेना, क्योंकि वैसे मैंने समकोण त्रिभुज में बता दिया था आधार लंब और ऊंचाई के माध्यम से ये निकाल सकते हो, यदि आपको त्रिज्या ऊंचाई की ज्ञात करना हो तो दोनों का जोड़ करना पड़ेगा, और बाकी दोनों में से कोई ज्ञात करना हो तो त्रिज्या ऊंचाई में से घटा देना वर्ग में से, ठीक है ये वह पाई आर एल है दोस्तों, यहाँ त्रिज्या ऊंचाई की बात की जा रही है एच मत लिख लेना गलती मत करना दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं दो नंबर बात शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता है वक्र भाग वाला पाई आर एल प्लस एक वर्त का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, अब देख लो कॉमन क्या है पाई आर एल प्लस आर ये होगा दोस्तों, ये सूत्र भी आपको याद रखना है पाई आर एल प्लस आर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं तीन नंबर बात शंकु का आयतन दोस्तों, शंकु का आयतन आपको पता ही है दोस्तों बेलन का एक तिहाई होता है यानी एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच और उसका एक तिहाई किसका होता है शंकु का होता है, ये दोस्तों आपको तीनों सूत्र याद रखने और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है और ये नीचे वाले जो भी बताइए ये भी आप ये रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, ये था शंकु के बारे में सूत्र। अब इसके करेंगे हम क्वेश्चन दोस्तों, फिर बता रहा हूं आपके सूत्र शंकु के आयतन का सूत्र आ सकता है, नोट डाउन कर लेना बढ़िया तरीके से, आपके एग्जाम में हो सकता है 19 जनवरी के दिन कोई ना कोई एग्जाम में जरूर ये सूत्र आएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं वैसे मैं बता भी देता हूं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, एक बार नोट डाउन कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। अब बात कर लेते शंकु के कई क्वेश्चन मेरे पास आए हुए है वो मैं करवाऊंगा अभी, चलो मिटा देता हूँ दोस्तों जल्दी जल्दी, हमें रिवाइज की तरह करना है
क्योंकि काफी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं, आपको पता है, तो जल्दी जल्दी मैं करवाने की आपको कोशिश करूंगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए मैं आंकड़े आए हुए लिख देता हूँ ताकि आपके भी ऐसा हो जाए। कि क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि एक शंकु की त्रिज्या 7 मीटर, चलो लिख देता हूं, यदि एक शंकु की, दिखाई दे रहा है ना सबको, शंकु की त्रिज्या त्रिज्या 7 मीटर है और क्या दे रखा है इसमें, इसकी त्रियक ऊंचाई तथा वह इसकी इसकी त्रियक ऊंचाई, दिखाई दे रहा होगा सबको, त्रियक ऊंचाई कितनी दे रखी है, 14 मीटर दी थी शायद, 5 मीटर है, ठीक है, त्रियक ऊंचाई 5 मीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ दोस्तों, आराम से निकाल सकते हो। अब ध्यान रखना क्योंकि हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई सा भी बुझेगा तो हमें एल की जरूरत पड़ेगी, एल हमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या ऊंचाई दे रखी हो तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, और कई बार आपको त्रिज्या और सीधी ऊंचाई दे तो एल आप ज्ञात कर लेना यदि क्षेत्रफल निकालना हो आपको। चलो दोस्तों बिना देर के इस क्वेश्चन को हम हल कर देते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, पाई आर एल होता है, एल आपको दे रखा है, आर भी दे रखा है, आर कितना है 7 और एल दे रखा है दोस्तों कितना है देख लो, 5 गुणा में 5 रख दो, चलो काट देते कितना आ रहा है, वाई बन जाओ 110 और क्या होगा दोस्तों, ये मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि आपको क्षेत्रफल निकालना है, कितना आएगा दोस्तों 110 मीटर स्क्वायर आएगा, आराम से आप कर सकते हो ना, कोई दिक्कत हो तो बोल देना मुझे, ठीक है, ये आपका जवाब है। अब आप एक और कर दो, गुणा तो करना है जल्दी से कर दो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना दोस्तों, जल्दी से निकालो, देखते कौन कौन निकाल पाते। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, पाई आर आगे एल प्लस आर, अभी सूत्र बताया था, सूत्र दोस्तों याद कर लेने हैं, चलो निकाल लेते हैं, क्या होगा 22/7 गुणा आर का मान कितना है दोस्तों 7 और एल प्लस आर, एल कितना है देखो 5 दे रखे, त्रिज्या ऊंचाई दोस्तों कितनी है 5 मीटर, 5 + 7 चलो करके बता देते हैं, 7 से 7 काट देना, यानी 22 गुणा कितना आएगा ये 12, क्या 22 गुणा 12 करोगे तो 12 दूनी 24, 80 लगी 264 आएगा ना, 264 आएगा, कोई दिक्कत नहीं आप कर लेना ये आराम से, क्या होगा इसका जवाब 264 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर होगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में भी आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो मैं मार्कर भी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अब बात कर लिया दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, मैं मिटा देता हूँ अभी जल्दी से डस्टर के माध्यम से, चलो मिटा लो कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में भी आ रहा होगा दोस्तों, जल्दी से एक बार लाइव चैट में जवाब दो ताकि हम भी देख पाए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है दोस्तों आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोस्तों, क्लास को लाइक कर दीजिए, भूल गए होगे आप लाइक करना तो वो मत भूलिएगा, वो आपका काम है क्योंकि मैं भी नहीं भूलता हूँ, सुबह 7 बजे रोजाना आ जाता हूँ। चलिए दोस्तों आप शंकु का एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, अभी क्वेश्चन लिख दे आया हुआ क्वेश्चन, आंकड़े ले रहा हूं मैं आपके लिए, यदि एक शंकु की त्रिज्या 7 मीटर है तथा उसकी ऊंचाई 6 मीटर है, देख लो, यदि एक शंकु की त्रिज्या कितनी देर की है 7 मीटर वह उसकी ऊंचाई, अब की बार ऊंचाई दी है, कोई दिक्कत नहीं ऊंचाई दी है, ठीक है, ऊंचाई कितनी देर की, अगले ने देर की है 6 मीटर, क्या 6 मीटर है तो इसका आयतन बताओ, इसका आयतन बताओ दोस्तों, आराम से निकाल सकते हो, जल्दी से बता दो आयतन इसका कितना आएगा, शंकु का आयतन आपको निकालना है, आयतन शंकु का आयतन दोस्तों क्या होता है, शंकु का आयतन अभी बता रहा था, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 πr² एच, यही होता है दोस्तों, एक तो होता है बेलन के आयतन का। अब बात कर ले दोस्तों, पहली बात कर लेते हैं, आपके पास r भी है, s दे रखा है, क्या सीधी ऊंचाई दे रखी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको यहाँ त्रिज्या ऊंचाई देता तो दोस्तों वो मत रख देना, यदि आयतन ज्ञात करना हो तब आपको पहले वो ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ती, यदि आपको त्रिज्या ऊंचाई देता तो त्रिज्या का वर्ग करके वैसे घटा के हम यानी आधार लंब के माध्यम से आप निकाल सकते हो, पहले निकालते हो फिर रखते, लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई दे रखी है कोई दिक्कत नहीं, 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7 है ना, आर का मान 7 और गुणा में एच कितना एच है, चलो काट देते इसको, हल कर लेना आप, 3 से काट दो ये 2 बार, इसका मतलब आएगा 22 × 7 × 2 यानी 22 × 14 आ रहा है क्या, 22 × 14 जल्दी से एक बार गुणा कर लो आप, जल्दी से कर लो, कितना आएगा जो भी आएगा,
22 गुना 7 करना है, कितना आता है देख लेते हैं। चलो क्या है 22 गुणा 14 है, ठीक है सॉरी दोस्तों ये गुणा कर लेना आप, ठीक है 14 दुनी कितना हुआ 28, 80 लगी दो क्या, 14 दुनी 28 80 दो 30, 308 मीटर की क्यूब, क्योंकि आयतन है 308 मीटर क्यूब होगा, ये आप निकाल लेना गुणा भाग कर लेना दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये भी बढ़िया लगा क्वेश्चन, निकाल लेना कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं ये हमारा शंकु के बारे में, यदि क्वेश्चन आएगा तो इतना आप, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ आपको, यदि आपको बढ़िया तरीके से सीखना है तो आपको पता है टाइम अब कम है, इसलिए मैं ऊपर ऊपर का जो क्वेश्चन आने लायक है वही मैं करवा रहा हूँ, ज्यादा गहराई से मैं नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि 19 को आपको एग्जाम है, तो इसलिए आप सूत्र याद कर लो थोड़ा सा रख के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ में तो आ रहा है ना सबके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये आपका शंकु, आज दोस्तों इस प्रश्नावली को हमें पूरा करना है, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी गोला और अर्धगोला बाकी है। अब बात कर लेते किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, गोले के बारे में, किसके बारे में, गोला। गोला कैसा होता है दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे हम बात करें हमारी जो गेंद होती है फुटबॉल होता है वॉलीबॉल होता है वो क्या होता है गोलाकार होता है। अब आप कहोगे जो हमारा ग्राउंड होता है हम दौड़ते वो देखो दोस्तों गोलाकार कभी नहीं होता, वो होता है वृत्ताकार या कहीं दीर्घवृत्ताकार होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब कई क्या बोलते हैं हमारा ग्राउंड अंडाकार होता है, अंडाकार नहीं होता दोस्तों, ग्राउंड अंडाकार नहीं होता, ग्राउंड होता है यत होता है वर्ताकार या होता है दीर्घ वर्ताकार, अंडाकार तो मतलब ऐसा वो होता है, ठीक है जैसे पृथ्वी की आकृति थोड़ी सी अंडाकार। देखो दोस्तों इतना अंतर है जितना आप सोच नहीं सकते हो, आप डायरेक्ट कह देते हो गोलाकार ग्राउंड है, गोलाकार ग्राउंड नहीं होगा न अंडाकार होगा, ग्राउंड होगा तो वृत्ताकार होगा या होगा दीर्घ वर्ताकार। अब बात कर लेते हैं गोले के बारे में, तो गोला आपको पता है ऐसा होता है, हालांकि बोर्ड पे हम त्रिभुज में आकृति नहीं बना पाएंगे फिर भी आपको दर्शाने के लिए थोड़ा सा बना देता हूं। देखो दोस्तों वृत्त और गोले में बहुत अंतर है इसलिए आप ध्यान रखना, देखो वृत्त है समतलीय आकृति जबकि गोला है ठोस आकृति या कहीं त्रिभुज में आकृति है। मान लेते इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों आर है, त्रिज्या कितनी आर है। अब इसका यदि हम बात करें तो बात कर लेते हैं जैसे कोई गोला होता है तो उसका सारा भाग क्या होता है वक्री होता है टेढ़ा भाग होता है, आपको पता है गेंद होती है टेढ़ा भाग होता है, इसका मतलब नंबर एक सूत्र क्या, गोले का वक्रपृष्ठीय कह दो, वक्रपृष्ठीय कह दो या कोष्ठक में लिख लो संपूर्ण, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों क्योंकि संपूर्ण ही वही होगा और वक्र भी होगा, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा 4πr² देखो वृत्त का 4 गुणा 4πr². अब बात कर लेते दो नंबर गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों 4/3πr³ होता है दोस्तों, ये सूत्र याद रखना आ सकता है इससे या तो क्वेश्चन आ सकता है, ये सूत्र आ सकता है पीछे की जो बीकानेर भर्ती हुई थी उसमें ये क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन आया था दोस्तों, गोले का आयतन निकालने से संबंधित एक क्वेश्चन आया था वो मैं लिखा भी दूंगा अभी, तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है या ये सूत्र आ सकता है, नोट डाउन कर लो ये बढ़िया सूत्र है दोस्तों आ सकता है आपके, या सूत्र आ सकता है या इससे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हम इसके क्वेश्चन भी अभी करने वाले हैं तो जल्दी से बिठा दो क्या, चलो ये तो नोट डाउन कर लेना। अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, यदि एक गोले की दिखाई दे रहा है क्या, क्योंकि थोड़ा मेरा जूम किया हुआ है तो हो सकता है बोर्ड पे थोड़ा नहीं दिखे तो आप बोल देना ताकि मैं भी देख पाऊं, बिल्कुल सबको दिखाई दे रहा है कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है सबको दिखाई दे रहा है, वैसे मैं भी साथ साथ देख रहा हूँ दिखाई दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं, यदि एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल एवं आयतन बताओ, इसका क्षेत्रफल एवं आयतन बताओ, जल्दी से बताओ दोस्तों, फिर बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन बीकानेर भर्ती आयतन वाला क्वेश्चन आया था त्रिज्या 7 दे रखी थी, ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है बीकानेर भर्ती राजस्थान में जो 28 अक्टूबर पीछे हुई थी ना यानी 2019 में, 19 में हुई थी शायद 2019 नहीं 18 में, सॉरी दोस्तों 2018 में, क्योंकि अब तो 2020 चल रहा है ध्यान रखना, ठीक है 2018 में जो हुई थी 28 अक्टूबर की जो भर्ती थी 28 अक्टूबर जहां तक मेरी याद है 28 अक्टूबर थी वो डेट 2018 में हुई थी वो भर्ती, ठीक है उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है आयतन वाला, तो
तो नोट डाउन कर लेना, हो सकता है आपकी भी आ जाए आंकड़े, या तो 7 देगा 14 देगा यही देगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आंकड़े भी वही आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब आप क्या कहते हो कि इस बुक में है, इस बुक में है, तो त्रिज्या तो आपको 7 देगा 14 देगा 21 देगा यही तो देगा, तो इसमें बुक की क्या बात है। अब बात कर लेते इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेते। क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr² होगा, 4 × 22/7 × r कितना दोस्तों 7 है, 7 × 7 दो बार लिख दो, चलो काट देते हैं। ये कितना हो दोस्तों, ये देख लो आपका हो रहा है 4 × 154 लिख दो, चलो इसको आप यदि गुणा करोगे तो 1680 लगी, 1616 आएगा ना, 1616 आएगा, गुणा कर लेना ठीक है, क्या आएगा मीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में होगा। और आयतन, आयतन और निकालो जल्दी से, आयतन आपको निकालना अभी, ये दोस्तों अभी बता रहा था यही क्वेश्चन आया हुआ है आयतन का ही, क्षेत्रफल का नहीं पूछा था वहां, आयतन पूछा था ठीक है। तो जो आपको निकालना वही निकाल लेना, कहीं आप आयतन पूछे और क्षेत्रफल निकाल के आ जाए तो ये ध्यान रखना ठीक है। अब देख लेते इसका सूत्र क्या होगा, 4/3πr³, पाई आर क्यूब होगा ना, इसका मतलब 4/3 × 22/7 × फिर देख लेते क्या निकालना पड़ेगा, आर आपको देर का कितना 7 देर का, 7 को कितनी बार लिखना है 3 बार। अब इसको दोस्तों आप काट करके हल कर लेना, चलो मैं आपको करके बता देता हूँ, थोड़ा सा मेरे किया हुआ ठीक है। 88 × 89/3 है क्या 3, इसको यदि आप गुणा करके भाग दोगे तो आपका फाइनली उत्तर आएगा 1437 कुछ आएगा, चलो मैं देख लेता हूँ क्या आएगा, जो भी आएगा ये आप गुणा कर लेना दोस्तों, भाग भी कर लेना, मीटर क्यूब आएगा आयतन है इसलिए ठीक है। 1437.33 यही आपके ऑप्शन में था दोस्तों, दशमलव में दे रखा था तो आपको यही जवाब करना था। ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है तो ध्यान से लिख लेना, हो सकता है दोबारा आ जाए, क्योंकि आर्मी में काफी सारे क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो नोट डाउन कर लो एक बार आपके सामने क्वेश्चन, थोड़ा आपको टाइम दे देता हूँ, एक बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। ये था आपके गोले के बारे में, हमने पढ़ा है गोले के बारे में इतना ही है, तो क्षेत्रफल कहेगा या आयतन कहेगा, कई बार आपको क्षेत्रफल देख के त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा कर लोगे, वो तो ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, उस 4πr² के बराबर रख देना, फिर r का काट करके जो भी मान निकाल लेना आता है वो ठीक है। ये नहीं बताऊंगा मैं, टाइम ज्यादा शराब आपका नहीं करूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते किसकी, अर्धगोले की दोस्तों, अर्धगोले के जल्दी से बात कर लेते, प्रश्नावली आज पूरी करनी है, मेरा टारगेट यही है अर्धगोला। अर्धगोला यानी आपको पता है गोले का आधा भाग, देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये पूरा गोला था उसका आधा भाग ले लेते हैं, आधा भाग ये ऐसा होगा दोस्तों। अर्धगोले का उदाहरण कौन बताएगा, जल्दी से बताओ अर्धगोले का उदाहरण कौन बता सकता है, अर्धगोले का एक बढ़िया से उदाहरण दो, चलो देख लेते। अब बात कर लेते हैं इसकी दोस्तों क्या होगी, त्रिज्या होगी अर्धगोले में, देखो दोस्तों अर्धगोले करने के बाद यदि हम बात करें कोई गेंद को काटते तो एक नया भाग और बन गया ना, ये देखो ये वाला भाग नया और बन गया, इसका मतलब इसमें ये तो हुआ वक्र वाला भाग, ये तो वक्र वाला भाग है, वक्रेंटेड वाला भाग, और ये एक नया भाग बना वृत्त, वृत्त है ना दोस्तों। तो इसमें देखो आयतन तो आपको पता आधा ही होगा, आयतन आधा होगा लेकिन क्षेत्रफल में बड़ा है, क्या बड़ा है, एक वृत्त बड़ा है। तो पहले बात कर लेते इसका, इसमें एक तो वक्र भाग है तो क्या करेंगे, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, टेढ़े वाले भाग का 2πr² होगा, उसका आधा कर दिया, देखो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका मतलब एक वृत्त और जुड़ गया, 2πr² + πr² यानी कितना हो गया 3πr² होगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल ठीक है। और तीन नंबर बात कर लेते हैं अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, आयतन दोस्तों क्या होगा, उसका 4/3πr³ इसका आधा कर दो, यदि 2/3πr³ दोस्तों, ये भी सूत्र आपको ध्यान रखना, हो सकता है आ सकता है क्वेश्चन यहां से। अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन अपने आप कर लेना, चलो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, क्वेश्चन क्या है, यदि एक अर्धगोले की, और आगे भी पढ़ेंगे दोस्तों, क्लास छोड़ना मत, आगे भी हम टॉपिक और भी पढ़ेंगे, देखो दुगुणी तिगुणी वाले क्वेश्चन रह गए तो छोड़ेंगे नहीं, सब करवाएंगे। अर्धगोले का गोले की त्रिज्या 7 मीटर है तो इसके लिए दोनों तीनों ज्ञात करके लेना आपको ठीक है, कर लेना आप अपने होमवर्क है ये आपका। अब बात कर लेते हैं ये तो मतलब सूत्र आप ध्यान रखना आराम से कर सकते हो, अर्धगोले का उदाहरण की बात कर रहा था, किसी ने दिया क्या जवाब, हालांकि काफी सारे टीम के कमेंट में नहीं देखूंगा। अब बात कर लेते हैं अर्धगोले का उदाहरण, आपको पता है हमारी जो होती है ना गेंद काट दिया जाता है वो होता है बाटी होती है, या बात करें
खपरी होती है ना मित्तल डिगी, ठीक है, राजस्थान वाले जानते हैं खपरी होती है, उससे भी नालडी भी होती है, ठीक है। चलो दोस्तों ज्यादा नहीं दूंगा उदाहरण, ठीक है, मिटा दो ये। अब नालडी कहेंगे तो देख दो नालडी क्या है। चलो अब बात कर ले आगे आगे बेटा, दोस्तों मिटा देता हूँ तो बोला मिटाई। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों, यदि यहां तक बने रहिए तो अब क्लास अंतिम करके ही जाना है, इसका समापन करके ही जाना है दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन आपके आ सकता है दोस्तों। कैसी लग रही है एक बार बताइएगा, लाइव चैट में जवाब दो क्लास आपको कैसी लग रही है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही है दोस्तों। क्लास को लाइक कर दीजिए, ये कंजूसी आपकी गलत बात है, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट लाइव भी हो कहीं तो छोड़ के चले जाते हैं दोस्तों। बढ़िया से बढ़िया मैं आपको कॉन्टेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दे, त्रिज्या दुगुनी कर दे तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे पीछे मैंने करवाया था वर्ग में करवाया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको पता है क्षेत्रफल में, आपको पता है गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, चार पाई आर स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्षेत्रफल में क्या आ रहा है, आर का स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब दो गुणी किया दो का स्क्वायर कर दो कितना गुना होगा, चार गुना, यानी क्षेत्रफल आपका कितना गुना होगा दोस्तों, चार गुना होगा। यानी हमने क्या सीखा, गोले का क्षेत्रफल होता है वो आर को एन गुणा करे तो क्षेत्रफल एन स्क्वायर गुणा हो जाता है, ठीक है, क्षेत्रफल एन स्क्वायर गुणा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं यदि आपको कहता आयतन कितने गुणा हो जाएगा, तो आयतन में आपको पता है सूत्र में क्या आता है, चार बटे तीन पाई आर क्यूब आता है, इसका मतलब आर की घात कितनी है, तीन है, तो दो की घात तीन करनी पड़ेगी, कितना आठ गुना होगा। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना दोस्तों, आपको कभी कहना कि तीन, जैसे कह दे तीन गुणी त्रिज्या कर दी जाए दोस्तों, तीन गुणी त्रिज्या कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना, नौ गुणा, और वो सत्ताईस गुणा होगा आयतन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन में और लिखता हूं, इसी तरह का आपको जवाब देना है, जल्दी से जवाब देना। चलो एक क्वेश्चन इस तरह का तो आप कर ही सकते हो, यदि एक, चलो दो गोलों की लिख देते, यदि दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात दो अनुपात तीन है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, आयतनों का भी बता दो, क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ दोस्तों, जल्दी से लाइव चैट में जवाब दो, क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है दोस्तों। तो क्षेत्रफल आपको अभी बता रहा था, क्षेत्रफल क्या होता है, चार पाई आर स्क्वायर होता है, चार पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर है ना, इसका मतलब इसका अनुपात का स्क्वायर करना है, दो का भी स्क्वायर और तीन का भी स्क्वायर, ये क्या आएगा, चार अनुपात नौ आएगा दोस्तों, ये क्या होगा, क्षेत्रफल होगा दोस्तों, क्या होगा, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या की स्क्वायर है, दिखाई दे रहा होगा, फोर पाई ये तो दोस्तों कॉन्स्टेंट है, ये नहीं बदलेगा, आर बदल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो बात क्षेत्रफल के बारे में, अब जल्दी से बता दो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन अभी बता रहा था आर की चार बटे तीन पाई आर क्यूब होता है, इसका मतलब आर की क्यूब लगानी, यानी दो की भी क्यूब और तीन की भी क्यूब, दो की क्यूब कितनी होती है, आठ होती है, और तीन की सत्ताईस होती है, इसका मतलब आठ अनुपात सत्ताईस होगा, ये वो आपका जवाब दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही है, लाइक करते रहेगा। चलो काफी सारे क्वेश्चन और भी हम करने वाले, बोर हो जाए तो बता देना थोड़ा सा, ठीक है, लंबी क्लास तो नहीं हो रही ज्यादा, कितना टाइम हो गया, चलो देख लेते, काफी सारा टाइम हो गया, वैसे आधा घंटा तो हो ही गया होगा लगभग, चलो देख लेते कितना और का टाइम, लगभग पैंतीस छत्तीस मिनट हो गए, और तो क्या है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बेटा दो एक बढ़िया सा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए देता हूं, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। यदि एक बेलन के बारे में देता हूं थोड़ा सा, बेलन की त्रिज्या दुगुनी व उसकी ऊंचाई आधी कर दे, दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आधी कर दे तो इसके आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो इसका आयतन कितने गुना हो जाएगा दोस्तों, कौन देगा इसका जवाब, कौन देगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, जवाब दो एक बार, आपको टाइम देता हूं थोड़ा सा, मैं आपको एक बार टाइम देता हूं, सबको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा लिखना थोड़ा,
चलो बड़ा लिख देते, कोई लिख नहीं थोड़ा छोटा लिख दिया, कोई बात नहीं, कई स्टूडेंट कह रहे कि थोड़ा बड़ा लिखो तो बड़ा भी लिख देंगे दोस्तों, लेकिन एक बार लिख दिया चलो अब तो मिटाएं क्या। चलो इस क्वेश्चन का दोस्तों कौन जवाब देता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फिर कह रहा हूँ, और जो हमारा तरीका जानता है वो तो गलत नहीं करेगा, काफी सारे स्टूडेंट सीख भी गए हैं मेरे पास से ऑफलाइन क्लासों में भी। चलो आप बात कर लेते दोस्तों, बता देते आपको, अभी बता रहा था आयतन किसका, बेलन का। बेलन का आयतन दोस्तों क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्तों, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका मतलब आर का, ये तो देखो दोस्तों कॉन्स्टेंट है, ये तो नहीं बदलेगा, पाई का मान तो मतलब यहां रहेगा, आर का स्क्वायर और गुणा में क्या है एच, यही तो है। अब बात कर लेते हैं आर को क्या कर रहा है, आर को कर रहा है दुगुना, आर की जगह क्या लिख दो दोस्तों दो, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, गुणा एच कितना है दोस्तों, एच को कर रहा है आधा, लिख दिया एक बटा दो। चलो कर देते हैं, इसका मतलब दो गुणा एक बटा दो, काट दो, दो से दो कटा कितना है दो गुणा, तो इसने आपने निकाल दिया होगा आयतन कितना गुणा हो जाएगा दोस्तों, दो गुणा हो जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट जवाब भी दे पा रहे लेकिन कईयों की दिक्कत होगी दोस्तों, हालांकि ऐसा आर्मी में नहीं आता है, फिर भी आ जाए तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, आएगा तो फिर कह रहा हूं आंकड़ा यही आएगा, आंकड़ा भी आपको ऐसा लिखा रहा हूं मैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, क्या ये था आपका, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये आपके हो गए कोई दिक्कत नहीं, थोड़े से क्वेश्चन और कराऊं क्या आगे, प्रतिशत वाले और करवा दूं क्या, थोड़ा करवा देते खींच देते, आज तो क्लास थोड़ी लंबी, साइंस वाली क्लास मुझे लगता है नहीं हो पाएगी क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा मेरा आगे का। चलो फिर भी आपको ये क्लास थोड़ी लंबी कर देते क्योंकि हमें पूरा करना है। एक लिखो, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये इसका भी जवाब देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो क्षेत्रफल कितने बढ़ जाएगा, यार भूल जाता हूं फिर कह रहा हूं सॉरी, थोड़ा सा कई स्टूडेंट कह रहे थोड़ा बड़ा लिखो, बिल्कुल दोस्तों अब लिखता हूँ बड़ा थोड़ा सा, हालांकि फिर भूल गया अभी कह रहे थे, ठीक है। चलो दोस्तों बात कर लेते हैं, 20% बढ़ा दिया जाए दोस्तों, अभी बता रहा था पाई आर स्क्वायर होगा ना क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, इसका मतलब आर की स्क्वायर है, इसका मतलब आर का स्क्वायर है। मान लिया पहले त्रिज्या कितनी थी, 100 थी दोस्तों, कितनी मानी 100, अब कह रहा है कितना 110, क्योंकि दो बार लिखना है 110 बटे 100, कितनी बार लिखना है दो बार, क्योंकि आर की स्क्वायर है। यदि आपको दोस्तों कहता ना परिधि कितना है, सॉरी 20 है ना, 20 है सॉरी, काफी सारे स्टूडेंट ध्यान भी दे लिए, कोई बात नहीं दोस्तों, कई बार मैंने सोचा 10 दे रखा, कोई बात नहीं, ठीक है यहाँ 20 दे रखा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपको क्या करना है, इसको काट दो 100 से, ये 20 कितना है 22, मतलब 12 गुना 12 कितना होगा 144 वाला, इसका मतलब दोस्तों कितना बड़ा, पहले हमने 100 माना, 144 हो गया, इसका मतलब कितना प्रतिशत, 44% बढ़ा, यानी क्षेत्रफल कितना बढ़ा 44%, जबकि यही बात दोस्तों देता परिधि में, तो परिधि जितनी त्रिज्या बढ़ाती है उतनी बढ़ता है, पीछे बताया भी था दुगुनी कर रहे थे तो परिधि भी दुगुनी हो रही थी, क्षेत्रफल आपको पता है स्क्वायर दो बार लिखना है। अब बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ, मिटा दिए चलो मिटा देते जल्दी जल्दी कर दिया दोस्तों, थोड़ा टाइम भी हो रहा है क्या करें, फिर भी ये चैप्टर पूरा करेंगे आपके लिए, ठीक है दोस्तों। क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों, फिर भी आपके लिए देखो क्लास ले रहा हूं, लंबी हो रही है आज थोड़ी, ठीक है। यदि बढ़िया क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा तथा उसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से जवाब दो, जवाब भी आना चाहिए, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वही तरीका है, आयत का क्षेत्रफल है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसका मतलब दो बार लिखना है, सीधी सी बात है, लंबाई और चौड़ाई को लिखना है। पहले मान लिया हमारा 100 था, अब देखो कितना लंबाई कितनी बढ़ी, 120 बटे 100 कर दो, और चौड़ाई क्या कर रहे हैं, गुणा में लिखो चौड़ाई कितनी, 20 कम किए यानी 80 बटे 100, चलो कर देते हैं इनको काट कर, ये कटा 12 कितना हो दोस्तों 96,
देखो 100 था, कितना हो गया 96 हो गया, 4% की कमी हुई है दोस्तों, 4% की कमी। एक तरीका और भी है लेकिन इस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन होगा उससे वो नहीं होगा। अब देखो यदि हम 20 बढ़ा और 30 घटाए जो भी करें वो आपको कर देना। ये था दोस्तों क्वेश्चन आपका। चलो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी। दोस्तों क्लास को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों में इतना शेयर करो, ये आपकी टॉपिक कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है, शेयर कर देना। और चैनल पे जो भाई पहली बार आया था आज, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि आप मैथमेटिक्स की बढ़िया तरीके से आपको रेलवे एनटीपीसी के लिए भी मैसेकरी बेंच शुरू करने वाला हूँ दोस्तों। तो इस चैनल पे बने रहिएगा। आर्मी का ये 19 जनवरी को एग्जाम होने के बाद हम रेलवे एनटीपीसी है और देवी एमआर का है, एक्स वाई ग्रुप दोनों का भी हम बात कर रहे हैं, थोड़े एयरफोर्स का भी हो सकता है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी मैं बेंच शुरू कर दूँ क्योंकि मैं मैथमेटिक्स कोई भी लेवल की पढ़ा सकता हूँ। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।